हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट आज हम लोग आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि ऑटोमेटिक डोर कैसे बनाएं, वो भी टेक्नो गेमर की तरह। तो उसके लिए हम लोगों को सामान चाहिए, ये सब। सबसे जरूरत तो स्टिकी पिस्टन, रेड स्टोन टॉर्च, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप वायर हुक, स्ट्रिंग, और साथ के साथ स्टोन, मतलब स्टोन ब्रिक्स, और मतलब स्टोन ब्रिक्स आप ले सकते हो अपने हिसाब से, और ग्लास भी चाहिए। आप स्टोन ब्रिक्स क्या कोई सभी भी ब्लॉक ले सकते हो। तो सबसे शुरू हम लोगों को ज़मीन को एकदम बहुत प्लेन करना है, मतलब मैं स्टोन ब्रिक से कर रहा हूँ, आप लोग किसी से भी कर सकते हो गाइस। तो जल्दी से करते हैं, उसे टाइम लैप्स करके बताते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने साफ थोड़ा बहुत कर दिया है। यहाँ पर सबसे शुरू आप लोगों को रखना है स्टिकी पिस्टन इस तरह से, तीन उस तरफ, चार ब्लॉक को छोड़ करके आप लोगों को फिर स्टिकी पिस्टन रखना है उस तरफ। तो इसी तरह से देख सकते हो। फिर उसके बाद ग्लास रखना है आप लोगों को दोनों साइड, कोई सा भी कलर का ग्लास ले सकते हो गाइज आप लोग। इस तरह से आप लोगों को भी रख देना है। अब फिर सेकेंड स्टेप है गाइज, यहाँ पर आप लोगों को स्टोन ब्रिक रखना है, सॉरी ऊपर में रख दिया, स्टोन ब्रिक इस तरफ से रखना है, और यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट रखना है, इसको हटा देते हैं। तो ऐसे इस तरह से रेड स्टोन डस्ट उस तरफ भी रख देते हैं, तो इस तरफ भी रेड स्टोन डस्ट हो गया इस तरह से। और ज़मीन को अब अपने को डिक करना है नीचे तरफ, ज़्यादा नहीं करना है गाइज, इतना ही करना है। और यहाँ पर एक ब्लॉक मैं इस तरफ ज़्यादा कर दिया, उस कोई बात नहीं, मैं ढक देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिए उस साइड भी। तो इस चीज़ को आप लोगों को चारों साइड करना है, और बता रहा हूँ चारों साइड करने के बाद क्या करना है। तो देख सकते हो गाइज, इस तरफ भी होने ही वाला है, तो इस तरफ भी ऑलमोस्ट टर्न ही हो गया। तो इस तरह से कुछ कर लेना है, फिर उसके बाद रेड स्टोन रखना है, रेड स्टोन डस्ट को इस तरफ रख देना है, मतलब रेड स्टोन टॉर्च को बीच में रखना है, ताकि इसमें वायर में देख सकते हो इस तरह से गाइज। तो इसी तरह से रख देना है सभी तरफ, अरे ऊपर में लग गया, इसी तरह सब तरफ रख देना है गाइज। अब इस तरह से ब्लॉक रखना है, चारों साइड रखना है अब, क्योंकि चारों साइड रखना ज़रूरी है। क्यों, मैं उसको आप लोगों को बाद में बताता हूँ, अभी पहले रख लीजिए आप लोग भी, इसी तरह से काम आएगा गाइस ये अभी। तो यही मेन है इसमें का, ये नहीं रहेगा तो ये चलेगा नहीं, ये हमेशा बंद ही रहेगा। तो यहाँ पर अपने को ट्रिप वायर हुक लगाना है गाइस, देख सकते हो इस तरह से, स्ट्रिंग को हम लोगों को ऐसे लगाते जाना है उस तरफ पूरा, तो यहाँ तक स्ट्रिंग लाना है, फिर ट्रिप वायर हुक ऐसे फंसा देना है। तो इसी चीज़ को हम लोग सेकेंड साइड भी करते हैं गाइस। तो गाइस इसी तरह से हम लोगों को करना है यहाँ पर भी, और फिर ये रेडी हो गया अपना डोर समझो। तो देख सकते हो यहाँ पर डोर रेडी हो गया है। अब हम लोग चल करके बताते हैं आप लोगों को, इसी तरह से कुछ वर्क करेगा गाइस, देख सकते हो। ये जैसे जाएंगे हम लोग ट्रिप वायर हुक पे, और तो बिजली नहीं आएगा तो ये बंद हो जाएगा अपने आप, तो उस इस तरह से खुल जाएगा गाइस। ये साइंस देख सकते हो, ये रहा। तो गाइस इसी को, तो यहाँ पर को हम लोग और ढक देते हैं एकदम बढ़िया से स्टोन ब्रिक से। आप लोग किसी से भी कर सकते हो, कोई स्टोन ब्रिक जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सभी ऑलमोस्ट सभी चीज को कर दिया है, इस तरफ थोड़ा सा बचा है, इसको भी कर देते हैं, टाइम लैप्स में बताता हूँ गाइस आप लोगों को। तो ये भी जगह हो गया है, अब देख सकते हो। इसी तरह से आप लोग भी अपने कोई कासल होगा या घर होगा इसी तरह से लगा देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा गाइस। और इस चीज को अब मैं आप लोगों को सिनेमेटिक लुक में बताता हूँ। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।